ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एक एंड्रॉयड फोन में एक वर्चुअल एंड्रॉयड फोन का यूज कैसे कर सकते हो। मतलब सिंपल सी कहने की बात जो है कि आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है और उस एंड्रॉयड फोन में आप एक उसी के तरीके का एंड्रॉयड फोन यूज कर सकते हो, यानी कि एक एंड्रॉयड फोन में दो एंड्रॉयड फोन। ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आप कैसे पैदा कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फोन में। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा यहाँ पर फोन हो गया। ओके, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है इसी के साथ में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें दो तरीके बताऊंगा आप किस तरीके से, मतलब एक जैसे ये एंड्रॉयड फोन हो गया हमारा एक, और इस एंड्रॉयड फोन में ही हम इसी के तरीके का एक दिखने वाला जो कि कम प्रोसेस होगी पर उसकी जो इतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं होगा पर आपके किसी भी तरीके से काम आ सकता है वो। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग में जाना होगा। ओके, फोन की दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, एक जो सिंपल वे है और एक जो एक ऐप्स की मदद से होगा वो। ओके, जो ये वाला है मतलब जो ये तरीका है, ये अभी जो MIUI 11 और 12 में फ़ोन अपडेट हुए हैं उन वाले डिवाइसों में ये मतलब है, अभी आप उनका यूज कर सकते हो जो एंड्रॉयड 10 में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर नाम का मतलब एक ऑप्शंस मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड स्पेस, तो आपको इसका यूज करना है। सेकंड स्पेस में आपको यहाँ पर मेरी मैंने पहले ही आईडी बना रखी है इसमें, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको यहाँ पर एक क्रिएट ए आईडी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर कर अपनी एक आईडी, कुछ नहीं होती बस जो चीज़ें अलाउ करने के लिए कहेगा आपको उसको अलाउ करना है और एक उस सेकंड डिवाइस का पासवर्ड आपको यहाँ पर लगा लेना है जिससे आपका सेकंड डिवाइस ओपन हो पाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक आप इस मतलब सिंपल तरीके से, वेरी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको क्या करना है स्पेशल जो फीचर नाल वाला ऑप्शन है जो आपकी सेटिंग में होगा इस पर आना है और यहाँ पर सेकंड स्पेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको बना लेनी है। ओके, तो इस तरीके से आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब जो फोन की सेटिंग है उससे बना सकते हो। ओके, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जो है एक एप्लीकेशन है जो आपको मतलब एक सेकंड इन्वायरमेंट आपको देगी। ओके, जिसका नाम है वीमोस। ओके, ये हो गया, तो ये सबसे जो फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन है आपको इसको ओपन करना है। और यहाँ पर ये थोड़ी मतलब जो इसकी MB है ये 626 MB की एप्लीकेशन है, पर ये जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल एंड्रॉयड आपको पैदा करके देगी, मतलब बना देगी जिस पर आप मतलब एक फ़ोन में ही दो फोन का यूज कर सकते हो। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो इंस्टॉल करने के बाद में इस पर आईडी बना लेनी है। आईडी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको अलग अलग करते जाना है। जो ये परमिशन लेगा आपको, देखो परमिशन पढ़ लेनी है अगर आपको मतलब अच्छे से इसका वर्क करना है। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट इन एंड्रॉइड या वीमोस को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज वीमोस। ओके, आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ओके, मैंने आपको दो तरीके बताए, अभी मैं आपको अपना सेकेंड जो स्पेस है, जो मेरा सेकेंड डिवाइस है मतलब किस तरीके का हुआ वो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, इसका मतलब आपको दिखाता हूँ आप उसका कैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं मुझे अपने सेकेंड डिवाइस में जाना होगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अपने जो फ़ोन है इसकी लॉक स्क्रीन को मतलब बंद करता हूँ, अपने सेकंड डिवाइस में जाता हूँ, मतलब अपना पासवर्ड डालता हूँ जो सेकंड डिवाइस का। ओके, अब ये हमारे जो लैपटॉप है इसमें से ये हट चुका है, हम फिर से इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, हम इसको एक बार फिर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक मिनट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा वही डिवाइस है जो मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो इस डिवाइस के जो मतलब इस डिवाइस में मैं सेकंड स्पेस में आ चुका हूँ, यानी कि दूसरे एंड्रॉइड में आ चुका हूँ इसके। ओके, इसका आप यूज ले सकते हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा
सेंसिटिव है या कोई भी मतलब ऐसा है कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो उसको आप सेकंड स्पेस में कर सकते हो। ओके, सेकंड स्पेस में करने के बाद में आप उसको काम कुछ भी कर रहे हो वैसे, जैसे कोई आ गया एकदम से, तो आपको अपना फोन स्क्रीन लॉक कर देना है। वो फिर क्या करना है, अपने फर्स्ट मतलब जो आपका फर्स्ट एंड्रॉयड फोन है आपको उसमें चले जाना है। ओके, तो इस तरीके से मैं अपने फर्स्ट एंड्रॉयड फोन में आ जाऊंगा। ओके, तो आप इस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब जब मैं इसको मतलब सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस में आता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चार्जिंग थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये 75% थी और जो हमारा सेकंड स्पेस था उसमें भी इतनी थी, आप इससे ही जान सकते हो। मैंने इसलिए चार्जिंग लगा के रखी थी यहाँ पर केबल, कि आपको अच्छे से बता सकूँ। ओके, कि मैं कोई मतलब झूठ नहीं बोलो कि एंड्रॉयड वर्चुअल इन्वायरमेंट है या नहीं। ओके, तो ये 100% वर्क करता है। तो इस तरीके से आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, वो आप एक अपनी सेटिंग का यूज ले सकते हो। ओके, सेकंड स्पेस नाम का जो फीचर है, या किसी एक ऐप है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वीमोस, आप इसका यूज ले सकते हो। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।